राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इस कार्यक्रम के आयोजक रौनक एजेंसी सागर, खुशी की मिठास मिल्क मैजिक के साथ आधुनिक मशीनों से निर्मित शुद्ध मावा एवं अन्य उत्पाद। हमारा पता है नमक मंडी कीर्ति स्तंभ के पास सागर मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 88 17 40 49 96 76 93 08 67 01। स्थान न होने पर ठेकेदार ने आत्मगत आत्मदाय की दी चेतावनी, नगर परिषद पर अनेक आरोप। बंडा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई अधूरा संरचना योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों को 2 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी नगर परिषद द्वारा भुगतान न किए जाने का आरोप अक्षत कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार प्रभुदयाल राठौर ने की। पत्रकार वार्ता, राठौर ने कहा कि नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे कागजों में अनेकों खामियां स्वतः सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा करीब करीब 70 लाख का भुगतान नगर परिषद का बकाया है। हमें जिन दुकानदारों मजदूरों का भुगतान करना है वो आए दिन तक तकादा करते हैं, घर पर आकर भुगतान की मांग करते हैं, नहीं देने पर विवाद की स्थिति बन जाती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सोमवार तक भुगतान नहीं होता है तो मजबूर होकर हम आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर होंगे। इस संबंध में नगर परिषद प्रशासक सुश्री शशि मिश्रा का कहना है कि मैंने CMO को निर्देश दिए हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से दिशा निर्देश लेकर संपूर्ण मामले का निराकरण किया जाएगा। मेरा कोई फाल्ट नहीं होता है और 2 साल का समय हो गया। अब मैं केवल एक ही मांग कर रहा हूँ कि जो दस्तावेज है उसको उसमें नियम अनुसार जो कार्रवाई बनती है वो की जाए। उसके बाद भी वो कार्रवाई करने को तैयार नहीं। लोग मेरे घर आके मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर पर फांसी लगा लूँगा, मुझे मेरे पैसे दो। ऐसे में मैं क्या करूँ? अब या तो मैं स्वयं कुछ आत्मघात करूँ या फिर मैं उन लोगों से झगड़ा करने जाऊँ जो लोग मेरे घर पर आ रहे हैं। तो मेरे पास विकल्प नहीं है। मुझे सोमवार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई ना कोई आत्मघाती कदम उठा रखते हैं। अब ये मेरी मजबूरी है। प्रशासन बिल्कुल कुंभकर्णी नींद सो रहा है, उनको कोई मतलब, मैं कुछ भी लिख के दूं, कुछ भी आवेदन दूं, ज्ञापन दूं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके जगह आप न्यायालय की शरण में ले सकते हैं। न्यायालय की शरण में जाने के लिए मुझे एक समझ में बात नहीं आती कि न्यायालय ही विकल्प क्यों भाई। आप अपने नियमानुसार कार्रवाई तो कीजिए, मैं उससे संतुष्ट नहीं होगा तब मैं जाऊँगा। आप कार्रवाई क्यों दबा के रखते हो? सवाल तो सबसे बड़ा ये है। दूसरी बात यह है कि अभी मैं न्यायालय में जाता हूँ, 55 लाख रुपये का पेमेंट है, मुझे 3.5 लाख रुपये तो कोर्ट फीस भरनी। मेरा टर्नओवर ही 70 लाख रुपए का है और डिपॉजिट समेत इन लोगों ने मेरी लगभग 75-80 लाख रुपए की राशि रोक रखी। पैसा कहाँ से लाऊं? उस समय आश्वासन भी तो दिया था आपने एक बार, और अपने सभी वाहन वगैरह नगर पालिका में खड़े कर दिए थे। उसी की बात दी जांच हुई, उनने कहा कि हम जांच करा ले, आपका पेमेंट कर देंगे। और वो जांच 6 नवंबर 2019 को आ गई थी, आज तक उसका कोई पेमेंट नहीं हुआ। ये मान के चलिए 1.5 साल हो गए। हाँ 1.5 साल हो गया भाई। आप चाहते हैं, मैं कहता हूँ मेरा 55 लाख रुपए का पेमेंट, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कभी कोई मेजरमेंट लगा के नहीं दिए कि मेरा पेमेंट कितना बनता है। ये उन्हीं के द्वारा जो एजेंसी नियुक्त की गई जिसका काम था बिल बनाना और भुगतान करना, ये खुद नगर पालिका ने भी मुझे लिख के दिया कि उनका काम टेस्ट करना और बिल बना के प्रस्तुत करना है। तो ये जो बिल है, ये बिल किसने बनाया? ये बिल उन्हीं की एजेंसी ने तो बनाया। इसी ये बिल कहता है कि 53.5 लाख रुपए का भुगतान मिलेगा, और जो टेस्ट रिपोर्ट आई उसमें 1.5 लाख रुपए का भुगतान और बढ़ेगा, इसमें लगभग 55 लाख का भुगतान है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरा 5 लाख का भुगतान है तो 5 को करो, समस्या कहाँ है? क्योंकि आप करना नहीं चाहते। मैं आपको इतना बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरा भाई बस स्टैंड का निर्माण कर रहा है, बस स्टैंड पे मार्केट का, आप उसका भी पेमेंट रोको, उसमें तो कोई समस्या नहीं। मेरा कोई एग्रीमेंट होता आप दूसरे से काम करा लेते हो। अभी वार्ड नंबर 12 में तहसील बिल्डिंग के बगल में जो काम इसी योजना के अंतर्गत मुझे निर्धारित है, जिसका मैं अर्थवर्क भी कर चुका था, उसका उन्होंने किसी और को टेंडर लगा दिया था। इस तरीके की चीजें कर रहे हैं।